छोटी बच्ची कह रही मेरी गाड़ी का पंचर ठीक। बाहर ही मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अभी जब अभी जा रहा था दोस्तों के बाहर, तभी मेरी गाड़ी पंचर हो गई। तो चलो आपको दिखा। तो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर नो ब्लॉग। चलो अभी देखे हो, भारी बाइक खड़ी और आप मैं सब रेडी हो चुका हूँ, बैग बैग ले चुका। तो चले जाते हैं, मम्मी तो गई काम के ऊपर। अभी दीवार भी माहौल है तो देखते, बाकी सब तो अब ठीक है माहौल। और ये जो बात है, थोड़ा बहुत तो कल ही लाया था शायद, और जो धाके रखा है ये कोलता रख दिया वैसे ही, तो थोड़ा बहुत लाया धाके रख देते पार्सल। बाकी पार्सल तो अभी बहुत कम आ रहा, तो टाइम मिल रहा है अभी तो हो जाएगा। अभी लगभग 9-10 बज चुके हैं, बाकी देखते हैं गाड़ी भी वॉश करते हैं। ये अब तो सैटरडे है, कल का प्लान करना गाड़ी धोने के लिए, अभी कहीं और जाएंगे। बाकी आप तो देखिए, तो और बाकी आप तो दिवाली का माहौल है, देखते हैं कैसा क्या पता। बाकी कुछ चीज़ तो भूल तो नहीं गया, अगर टाइपर है पड़ा है, पेन वगैरह वैसे सब पड़ा है, इसको भी थोड़ा बहुत करना सेटअप। तो वो देखें, और लाइट तो ऑफ करते, लाइट से चेंज करते प्रॉपर्टी। ये वाला है टी शर्ट डिलीवरी कंपनी का ही ब्लैक कलर। तो चलिए टी शर्ट अगर पहन चुके तो चले जाते हैं, माउंट वगैरह सही सब पड़ा है तो पहन के जाते हैं। और आपको साइकिल पता है जो मेरे साइकिल मिली थी, लगभग इसको MMM का अभी तक रखना है साइकिल, उसने भी पहले मैं ब्लॉग बना रहा था, आपको साथ नहीं पता होगा। लगभग जब मैं एयरटेल में था तब ब्लॉग बना रहा था, तब वीडियो कई लोगों ने उसको देखा था, उसमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था। जब साइकिल पर आया था तब भी लोगों ने बहुत आया सपोर्ट किया था मेरे को। आज इसका आज ये ले पाया हूँ, लगभग इसको भी ऐसे होगा, इसके 2 साल लगभग इस साइकिल में मैंने लगभग 10 साल हो चुके, लगभग 10 या 11 साल हो चुके, ज़्यादा हो चुके गए। तो वैसे साइकिल अभी इसको भी साइकिल बनाना, बाकी कुछ नहीं हुआ है, बारिश में हम थोड़ा बहुत भीग गया तो उसका हवा पूरा निकल चुका है, बाकी सब कलर करना है तो एकदम नए जैसे दिख जाएंगे। तो इसको भी हम जल्द ही रिपेयर करने वाले साइकिल को, बाकी अभी बाकी देखते हो बाइक इसका भी हालत कैसा भी क्या है। तो चले जाते हैं मार्केट रोड कर, और लग रहा है बारिश का मौसम जो है आने वाला अपना नहीं आएगा शायद, थोड़ा बहुत ढक गया है बादलों की वजह से। तो चले जाते गए तो सीधा आप काम के ऊपर, बाकी टी शर्ट आप रख दी धोने के लिए, माँ का मम्मी कहते धो लेगी। तो चलिए आपको वीडियो में आके मिलते रहूँ। आ गए क्या? तो चलिए गए हिंदू जी हम घर से बाहर, तो मिले तो वो समोसा वाले थे अंकल, कि हमारे डेली आते हमारे इधर लेने के लिए, देने के लिए समोसा और वड़ा पाव, तो खुद आने का आ रहा है क्या? तो छोटे जो हमारे घर बाजू में रहता था, और अभी वो भी मार्केट में आता काम पे, उसका हम छोटे वहाँ पे रास्ते में जो मार्केट में वही पे काम करता मॉल में। तो चले हम से जाते से आगे की तरफ, बाकी आप देखिए यहाँ पे स्कूल है तो जा रहे बच्चा है फिर से, तो चलिए आगे से चलता। तो हाय गाइस, तो कल अभी दूसरा दिन, अगले दिन का वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो कल तो रात को टाइम हो गया था तो हॉस्टल कल ने, अभी फिलहाल तो चाय पान कर रहा हूँ और ये बिस्किट साथ में। कल का नेशा वक्त कल हम गए सुबह जल्दी, आपको पता ही था, और गाड़ी काफ़ी लेट आया, लगभग मैं गाड़ी से मतलब 11 बजे तक आ गई थी। मैं खुद ऑफिस में थे लगभग, और 12:30 लगभग 1 बजे निकल गया ऑफिस से, तो लोड काफ़ी ज़्यादा था कल के दिन। तो रात को मेरे को टाइम हो गया, फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, और अभी अगले दिन का वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग अभी तो लगभग 9:30 बज चुके हैं, अभी गाड़ी पे आ गई, अभी आज जल जा गई। कल का सीन ऐसा गाड़ी लेट आई इसके लिए वजह से वो थोड़ा बहुत ये हो गया था, तो कोई दिक्कत ना तो जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये चाय पन करते हो, आज का दिन है संडे, तो चलो फिर देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो चलिए चाय वाय पीते सब, गाड़ी में निकल कर रख दिया मैंने, सर सोच रहा वॉशिंग वॉशिंग करने का, अभी देखेंगे वॉशिंग करके तो टाइम टाइम कर लेंगे वॉशिंग, बाकी सब तो ठीक ठाक ही है। तो चलिए चाय वाय पीते हैं साथ में, तो चलो आपको आगे आपको वीडियो में मिलता हूँ। आगे इसका रख देते हैं सीधा, तो चलिए
का रख देते हैं, कोई आगे भाग चाय बाय पी लेगा, या फिर रात में की दाल बनाए तो वही दाल वगैरह है, और ये भात है रात का ही। तो जाते सीधा घर के बाहर, बाकी सब तभी बहन वगैरह सब अभी कपड़ा का धो रहे हैं संडे के दिन में, और बाकी दो घर के बच्चे निकल चुके हैं, और अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी है। देखा अभी क्या कह रहे हो वहाँ पे, पत्ते के ऊपर कौन ला हुआ? तो चलिए जाते अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, चप्पल कर पहन से फटाफट चप्पल, बाकी हम तो घर को सीटा देते हो झाड़ू वाड़ माना, तो फिर लाइट ऑफ नहीं करता मैं, जो चालू रहने देता हूँ। तो चलिए जाते हैं, बाकी अब भात भात रख दिया है, बाकी अब मैंने कपड़ा सब धो लिया है, बाकी सब देख सकते हो काफ़ी सब किनारे काफ़ी भी फेर गया है अभी, सब ले लिया है। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। पे लोड था और कलका का कल की जो गाड़ियाँ थी हमारे पास, जो वैन लेके गाड़ी का काफ़ी लेट जा रही थी, इसके लिए टाइम हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आज तो गाड़ी आ गई टाइम पे, तो चले फटाफट जाते और अपना जो भी होगा अपना लोड होगा अपने वो उठा से लेके जाते। तो चलिए आपको फिर पार्सल का आपको आज दिखा दूँगा मेरे पास कितना लोड रहेगा, तो चलिए वीडियो में बने रहना। तो हाय गाइस, और अभी समय दोपहर का टाइम, आप देखो माउट अगर मेरा हेलमेट और गाड़ी पे दिख नहीं होगी, क्योंकि ऑफिस के बाहर ही मेरी गाड़ी पंचर हो गई। अभी जब भी जा रहा था दोपहर के बाहर तभी मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो चलो आपको दिखाता हूँ गाड़ी कैसे पंचर हो गई। और जैसे बाजू में है सर रोड पर ही है, तो बैग काफ़ी हैवी था तो बैग में रख के आ गया, तो ऑफिस पीछे ही है, तो जाते पहले पंचर निकालते यहाँ से सब 300 मीटर दूरी है। तो चलिए आपको आगे तेज होगा तो आपको खिला चुक गया सुंदर यहाँ पे उसे निकलते थे, इसको एक ही पंचर हो गया, देखते कई बार हो गया पंचर। मैं बस एक ही पंचर हो तो चलिए आगे से पहले पंचर पंचर निकालते, तो चलिए पहले ज़्यादा आगे अभी आ रहा था पंचर हो गया इधर ही आसपास, तो चलिए पहले ज़्यादा आगे की तरफ। देख सकते हो दुकान यहाँ पे जनरेटर को लगा है सब, और बाकी आप देख सकते हो वहाँ पे बाइक खड़ी है, देख लो कैसा क्या है दुकान वगैरह। तो यहाँ पे दुकान तो बंद है, तो देखते हैं अभी जो शाम को आपको दिखा रहा, आपको जो दिख रहा है वाइट वाइट बोर्ड वही पे मेरे को भी जाना पड़ेगा, तो चलिए जाते हैं फटाफट। तो छोटी बच्ची करेगी मेरा बाइक का पंचर, तो गाइस ऐसा नहीं है, जो अंकल लोग गए कुछ काम से मार्केट में, तो रात रात उनको देखिए तो बाइक यहाँ पे यहाँ पे निकाला, इसको यहाँ पे पंचर है ना खिला खुला, पूरा खुला घुप के अंदर अंदर तक, देखते क्या होता है पंचर हो जाएगा शायद, देखते हैं अभी। और जो सामने तो गति उनकी दुकान थी शायद भी आपको वो रहता है कोई होगा शायद, तो जेब पे अभी आ गए क्योंकि यहाँ पे जो घूमना है ना पता तो घूमना क्या आप बंद कर दी, और यहाँ पे गाड़ी खड़ी है देखिए तो यहाँ पे, और जो अंकल जो है पंचर अंकल भाई गए मार्केट में कुछ काम से, तो वो तो वेट कर लेते सब शायद, बाकी खुल चुका है, बाकी आज था लोड थोड़ा बहुत था, किसी का कम था लोड,
ज़्यादा आसान है लोड, तो देखते हैं बराबर पंचर राज करते हैं और निकलते आगे की तरफ, फिर आपको आगे मिलते हैं सीधा कितना क्या हुआ क्या हुआ कुछ ज़्यादा पंचर का हम सब आपको पता देगा। तो बने रहना, काफ़ी लगभग टाइम हो चुका है और लगभग तो 3 तो बज चुके हैं, तो चलिए आपको पंचर बनाने के बाद आपको मिलता आपको मिलाता हूँ। तो काफ़ी बड़ा किला घूप गया मेरे टायर के अंदर, जो देख ही सकते हो अंकल जो अभी वो इनका रहे अपने दो हथियार से जो भी इनके पास चीज़ें सामान से, तो आपको दिखा था कितना बड़ा है, देख सको कितना बड़ा है, लगभग 4 उंगली के बराबर है, 3-4 उंगली के बराबर इतना बड़ा किला मेरे टायर में। ये बहुत बड़ा कि आराम से पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। तो हाय गाइस, तो मेरे घर पे आ गया, तो और मेरा तो पंचर जो आपको दिखाया था, मेरा तो लगभग 2 पंचरों को जगह था। वो अच्छी बात है कि जब मैं ऑफिस जब मैं बांध गया तो जस्ट वही बाजू में ही पंचर हो गया था। बैग काफ़ी ज़्यादा हैवी था, इतना भी लोड नहीं था, हैवी था पता, तो बैग में रख के आ गया अपने ऑफिस पे ही। बाद में क्या गया आपको पता, मैं लगभग 250-300 मीटर दूर ही था, ज़्यादा दूर भी ना गया, तो वहाँ पे जो काम करते थे मैं मैकेनिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मैकेनिक नाम, मैकेनिक ही बोलते हैं, पंचर निकलने वाला वो गैस खाने खाने के लिए, तो आप इस आपको भी दिखा दो उस तरफ मेरे को जाना हावे क्रॉस करके जाना था, तो दिक्कत ही क्या वो कब आएगा उसको पता नहीं था, क्योंकि जो बाद में जो गिरे थे ना वो बता गया खाने खाना अभी गया, तो आपको पता ही आधा एक मिनट लगता है हर किसी को, तो मैं सोचा टाइम जो है जाएगा और लोड भी था और लगभग 3 जो बज चुके थे, तो मैंने हाईवे क्रॉस किया उस तरफ गया, तो नसीब की बात यह है कि बैग मैंने ऑफिस में जाकर तुरंत रख दिया था। आपको पता है कि जैसे ऑफिस के बाहर मेरा पंचर होता था गाड़ी, तो ऑफिस में बैग करा क्या करना, फिर पूरा बैग मेरा घुमाना पड़ता और इतना गर्मी था कि बोलो मत, अब तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी हद तक, तो मैं बैग रह वो मैं बहुत अच्छी बात किया, बाकी मैं घूम के चले गया, घूम के लगभग था तभी आधा किलोमीटर पकड़ लो घूम के जाने का था, तो लंबा हो गया और आपको दिखा भी 2 पंचर हो गए, क्योंकि किला तो इतना बड़ा था कि इतना 4 मिनट इतना था, और जब चुभा तो मैं तुरंत कहा मेरा टायर कुछ हिल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि नसीब का आपने ज़्यादा टायर गाड़ी नहीं घुमाया, क्योंकि एक जैसा रहता है पूरा टूब वगैरह फाड़े थे, इतना बड़ा चुक था अभी तक, और मेरे पास भी शायद पड़ा था अभी रखा हूँ मैंने, तो इतना बड़ा था उस किला के देखिए ऐसा गया तो ऊपर का दर्द हुआ था, तो उसके लिए नसीब का वो हो गया, बाकी इसमें कोई बाकी का जो डीलर था वो दे दिया। रात में आज शाम के आज का ब्लॉग मैं यही पैंड करता हूँ, फिलहाल अपने रूम पे हूँ, देख लीजिए तो वहाँ पे फैन वगैरह सब रखा हुआ है, बाकी सब वहाँ पे सब रेडी है, और पीसी जो अभी तक बने रखा हूँ उसको ऑन नहीं किया हूँ, और कुछ कम का भी नहीं है, तो आज का ब्लॉग मैं यही पैंड करता हूँ, और आपको अगर ब्लॉग अगर थोड़ा भी पसंद आवे तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, तो चलिए फिर जल्द ही फिर मिलते हैं नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।